नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। यूं तो भारत देश में बेरोजगारी, महंगाई लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। बात करें तो आलू और प्याज ने भी अपने आसमान पर मूल्यों को चढ़ा रखा है। इसी के साथ ही टमाटर भी लाल होता हुआ नजर आ रहा है और शिमला मिर्च की बात करें तो वो भी कमाल करती हुई दिख रही है। लेकिन इसी बीच युवा पीढ़ी भी सड़कों पर पकौड़े बेचते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये यूपी के बरेली की हैं। यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं पकौड़ा बेचकर। ये नज़ारा बरेली के रोयलखंड विश्वविद्यालय गेट का है, जहाँ पर आज कुछ छात्र संगठनों ने पकौड़े बेचकर, पकौड़े तलकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। क्या वो पढ़ लिख रहे हैं वो केवल पकौड़ा बेचने के लिए? ऐसा नज़ारा जब यहाँ पर बरेली में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर ही सवाल व्याप्त तो हो रहे हैं कि क्या वो पढ़ाई पकौड़ा बेचने के लिए कर रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए धरना कर रहे छात्रों ने बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद।